यूपी के प्रतापगढ़ जिले के शहरी क्षेत्र की सड़कों पर अतिक्रमण के कारण पैदल चलना भी दूभर हो गया है। नासूर बन चुके अतिक्रमण पर शुक्रवार को पुलिस प्रशासन का डंडा चला। ये अतिक्रमण हटाने को लेकर के नगरपालिका युमुदित सिंह और सीओ सिटी खुद सड़क पर उतरे। प्रतापगढ़ जिला मेडिकल कॉलेज से चौक तक पैदल ही मार्च किया गया। सीओ अभय कुमार पांडे साथ पुलिस ने मेडिकल कॉलेज से चौक के बीच पुलिस लाइन चौक के मुख्य मार्ग से अतिक्रमण को खाली कराया। इस दौरान सड़क किनारे लगाए गए फास्ट फूड और अन्य काउंटर सहित फल सब्जी के ठेले भी हटाए गए। पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए दुकानदारों ने अपने सामान उठाकर वहां से खिसक जाना ही बेहतर समझा। पिछले कई महीने से फल और सब्जियों के ठेले लगाकर जगह जगह अतिक्रमण कर लिया गया था। जगह जगह चाय नाश्ते की दुकानें भी खोल ली गई थी। अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने कई बार चेतावनी भी दी थी, मगर इसका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया। इसी के तहत पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला अस्पताल है और जनमानस द्वारा काफ़ी शिकायत थी, उस स्तर पर भी थी कि एम्बुलेंस फंस जाती है और लोगों के जान खतरे में पड़ जाते हैं। इनके अतिक्रमण से फिर ठेला वाले काली सड़क तक ले आके ठेला लगाते हैं, उसको देखते हुए अतिक्रमण वहाँ का हटाया गया। जुर्माना मैक्सिमम नहीं किया गया, उनको हटाया ही गया, लेकिन कुछ लोग जो इतना पुलिस प्रशासन इतनी मेहनत करने के मशक्कत के बाद भी नहीं हटा रहे थे, उन्हीं कुछ लोगों पर ही जुर्माना किया गया। एसडीएम मोहनलाल गुप्ता ने खुद इस अभियान का जायजा लिया। यू नगर पालिका मुदित सिंह ने जानकारी दी कि अतिक्रमण के कारण राहगीरों को काफी परेशानी होती है, इससे सड़क जाम की समस्या भी बनी रहती है। कई बार स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भी की है, लेकिन इन लोगों को पुलिस की ओर से चेतावनी भी जारी की गई थी, बावजूद ये लोग नहीं हटे, इस वजह से ये अभियान चलाया गया। साथ ही जानकारी दी कि जिलाधिकारी के आदेश पर शहर के अन्य हिस्सों से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने जेसीबी मशीन से सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारियों के बने अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया। जिला प्रशासन की ओर से माइकिंग कराकर लोगों को इस बारे में चेतावनी भी दी गई। प्रतापगढ़ से जनमत न्यूज के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट।